हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक मसाला, कम मेहनत में आसानी से एक जायकेदार और लजीज डिश बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मसाला बनाने के लिए हमने बॉईल किए हुए 8 अंडे लिए हैं। इन अंडों को हम फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले हम इस तरह से छुरी की मदद से इन पर कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से क्या होगा कि फ्राई करते वक्त अंडे तेल में फटेंगे नहीं। अंडों को फ्राई करने के लिए हम पैन में 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें सारे उबले हुए अंडे ऐड कर देंगे। इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर अंडों को फ्राई करेंगे। एक मिनट के बाद हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। देखिए, अंडों को फ्राई करते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम इनको तेल में फ्राई करते हैं तो तेल जो है वो चटकता है, इसलिए हमने इसे ढक कर फ्राई किया। ये देखिए, हमने अंडों को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। देखिए, पैन में से हमने सारे अंडे निकाल लिए। तेल ऑलरेडी गर्म है तो हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा, 5 से 6 काली मिर्च, 5 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट। देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्याज के पेस्ट की जगह बारीक कटी हुई 2 प्याज ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम तेल में फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुकी है। इसमें हमें तेल कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें 3 टेबलस्पून तेल और ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और हमें प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही में हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में हमने लिया है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ ही में ऐड कर देंगे 1/4 कप पानी। मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमें इन मसालों को तब तक भूनना है जब तक मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए। 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर सारे मसालों को अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। देखिए, टमाटर को ग्राइंड करते वक्त हमने इसमें 2 चुटकी रेड फूड कलर ऐड किया था। फूड कलर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ना ऐड करना चाहें तो ऐसे ही टमाटर को ग्राइंड कर लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक कर पकाएंगे। तो हमें इसे कवर करके 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए, टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया और बीच बीच में हमने इसे चेक भी किया था। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल करके फ्राई किए हुए अंडे। इन मसालों के साथ हम अंडों को मिक्स करेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। मिक्स कर लेंगे और ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुनी हुई कस्तूरी मेथी
और 1/4 टीस्पून गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने इसे ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। साथ ही में एक मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से और फिर इसे सर्व कर लेंगे। तो खाने के लिए तैयार है एक मसाला। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।